गोपालगंज से खबर है, आपको बता दें सैनिक स्कूल गोपालगंज के निर्माण में उनकी नींव में लोकल बालू भरने में 1,75,00,000 रुपए के वित्तीय अनियमितता करने का मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन ने डीटीओ को 176 वाहनों की जांच करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर जिला परिवहन विभाग वाहनों की संख्या के आधार पर वाहनों की जांच करने में जुटा हुआ है। संवेदक ने 10 चक्का ट्रक को बालू के चालान पर 22 चक्का अंकित कर कार्य एजेंसी को सौंपा है। डीटीओ मनोज कुमार रजक ने बताया है कि वरिष्ठ उप समाहर्ता राधाकांत ने वाहनों की संख्या की जांच के लिए परिवहन विभाग को पत्र उपलब्ध कराया है, जिसकी जाँच की जा रही है। सूत्रों की माने तो समाचार लिखे जाने तक जांच करने में अधिकारी लगे रहे हैं। महालेखाकार लेखा परीक्षा बिहार ने जांच के बाद 133 किलोमीटर से बालू की ढुलाई में उपयोग के लिए लाई गई चालान पर जो वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज है। सूत्रों की माने तो इसी प्रकार परिवहन विभाग को चालान पर अंकित 176 वाहनों का नंबर जांच के लिए दिया गया है, जिसमें अधिकांश ट्रक का नंबर है। जानकारों की माने तो बालू के ढोने में वैसे वाहनों का उपयोग किया गया है जिसकी वाहन की ढुलाई क्षमता 12 से 14 टन है, उस पर एजेंसी ने 55 टन बालू ढोने का चालान निगम को उपलब्ध कराया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant। चालान में जिस ट्रक नंबर को 22 चक्के अंकित किया गया, वैसे वाहनों में एक भी ट्रक को चालान में अंकित वाहनों में 22 चक्के के वाहन नहीं पाए गए हैं। अधिकांश 10, 12, 14 और 18 चक्के के ट्रक का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में दर्ज है। जानकारों की माने तो बालू के ढोने में वैसे वाहनों का उपयोग किया गया है जिसकी वाहन की ढुलाई क्षमता 12 से 14 टन है, उस पर एजेंसी ने 55 टन बालू ढोने का चालान निगम को उपलब्ध कराया है। आपको बता दें चलें, चालान में दर्ज वाहन नंबर सही है, लेकिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन 10 चक्का में है, जबकि बालू ढोए गए वाहन के चालान में 22 चक्का अंकित है, जो गलत है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।